एक शॉपकीपर है जो कि साड़ी को 8% प्रॉफिट पे बेचे और स्वेटर को 10% डिस्काउंट पे बेचे, तो बेचने पर उसके पास टोटल अमाउंट कितनी आएगी? 1,008 रुपीज़। और इसके बजाय यदि वो साड़ी को 10% प्रॉफिट पे और स्वेटर को 8% डिस्काउंट पे बेचते तो उनके पास जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी? 1,028। तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है साड़ी की, और जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस कितनी है स्वेटर की, यानी मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ था, क्योंकि डिस्काउंट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी क्या है? X रुपीज़। और मार्क प्राइस ऑफ द स्वेटर कितनी है? Y रुपीज़। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की, जब 8% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो ये जो अपनी है वो सेलिंग प्राइस है, यानी साड़ी को कितने में बेचा और स्वेटर को कितने में बेचा, दोनों को मिलाकर 1,008 रुपये है। तो साड़ी को कितने में बेचा वो निकालेंगे, तो X रुपये बेच रहे हैं, तो ये तो हमें चाहिए चाहिए, साथ में हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 8% का प्रॉफिट हुआ, तो 8%। और ये प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, तो परसेंटेज में है तो रुपए निकालेंगे, ये तो अब कॉस्ट प्राइस रुपए में है और ये वाला भी रुपए में आ गया प्रॉफिट, कैसे 8% निकाल लेंगे किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो ये मिलाकर सेलिंग प्राइस हो गई। प्लस अब बात करते हैं डिस्काउंट दिया है स्वेटर पे, तो स्वेटर की जो मार्क प्राइस है तो वो स्वेटर पे लिखा हुआ कितना था? Y रुपये लिखा हुआ था। अब वो डिस्काउंट देगा तो उसको कुछ वापस लौटाएगा कितना? 10%। तो 10% ये परसेंटेज में है तो रुपए में कैसे निकालेंगे? 10% ऑफ किस पे मिलेगा डिस्काउंट? मार्क प्राइस पे ही मिलेगा, तो वाई लिख दिया, 10% निकालेंगे किसका? वाई का। अब इन दोनों सेलिंग प्राइस को मिलाकर हमें रुपए कितने मिले? 1,008 रुपये मिले। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना सभी को आता है, एक्स प्लस ये परसेंटेज हटाए थे अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 8/100 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो 8x/100। इसी तरीके से इधर सॉल्व करेंगे, वाई माइनस परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा, 10 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 10y और अपॉन में वो 100 इक्वल टू 1,008। अब एलसीएम लेना सभी को आता है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 100 100 और 8 108x/100, ये तो प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस है, एलसीएम लेंगे तो वही 100 100y में से माइनस करेंगे 10y, तो कितना आ जाएगा? 90y/100 = 1,008। अब इन दोनों में से यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना बहुत ही आसान है, दोनों में अपॉन के अंदर 100 है तो 100 तो कॉमन लेंगे लेंगे, 108 और 90 ये 18 की टेबल में आते हैं, तो 18 6 108/100 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे 6x बचा, क्योंकि 18 6 108/100, 18 5 90 तो यहाँ पे आ जाएगा 5y, और ये कॉमन आ चुका, इधर है 108। अब इधर ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो इधर डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, 18 1 18, इधर डिवाइड करेंगे तो देखना 18 5 90, तो 100 में से 10 चला गया, 90 चले गए तो 10 बचा अपने पास, 10 इसके पास आ गया, 108, 18 6 100, 56 टाइम्स ये डिवाइड हो गया, तो इधर अपने पास 6x+5y = ये 100/ में था, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 5600, तो ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से बात करें सेकेंड इक्वेशन की, तो सेकेंड केस के अंदर अपने पास क्या हुआ था? इस बार प्रॉफिट कितने का है? 10% का, और डिस्काउंट कितना है? 8%, चेंज करना पहले वाले से, तो सॉल्व कर देते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दें, एक्स प्लस कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए चाहिए, इस बार प्रॉफिट कर रहे हैं 10% का, तो डायरेक्ट लिखें तो 10x/100 आ जाएगा, वही 10% लिखोगे आप, 10% ऑफ एक्स, तो कितना आ जाएगा? 10x/100 प्लस, और डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का? 8% का, 8% दे रहे हैं तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ 8y/100, तो ये वाई इसमें से 8y/100 का डिस्काउंट मिल गया। इस तरीके से अपने पास जो रुपये आएंगे वो कितना आ जाएगा? 1,028 रुपये। तो यहाँ से ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसा ही था, वहाँ पे बस 10 इधर करना है 8 इधर करना है, तो इस तरीके से जो इक्वेशन बनी वो ये वाली बन गई। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 100 और 10 110x/100 आ जाएगा, प्लस इधर सॉल्व करेंगे ये 100y में से 8 माइनस करेंगे तो 92y/100 = 1,028। अब यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 110 और 92 में 2 कॉमन आएगा, और नीचे 100 दोनों में है ही, तो यहाँ पे 110 में से 2 कॉमन ले लिया तो अपने पास 55 बचता है, 55x। 92 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 46 आ जाएगा, 46y = 1,028। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 55x+46y, और जो अपॉन में 100 है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5 1 4 00, ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर 6x है, यहाँ पे 55x है,
तो मैं क्या करूंगा, इसको तो 55 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, 6 से, ताकि एक वेरिएबल कॉमन हो जाए। एलिमिनेशन मेथड लगाना अच्छा काम है, आसानी से लगा सकते हैं उसको। तो इस वाले को मैं 55 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 55 सिक्स जा कितना होता है, 6 5 जा 30, तो 3 कैरी करेंगे, 6 5 जा 30, और 330x प्लस 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 275y, और 55 को 56 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 55 को 55 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार ऐड कर लेंगे क्या 55। तो ऐसे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आसान है, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आता है 3025, और इसमें 55 एक बार और ऐड कर लेते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3080। तो अपने पास आ गया 3080, साथ में 00 और है तो 00, यानी अपने पास हो गया 3,08,000। ये अपनी थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, 330x, ये अपने काम आई क्योंकि इस बार वेरिएबल सेम कर दिया है। और आगे वाली इक्वेशन है 55x प्लस 40y, 46y इक्वल टू 51,400। तो इसको पहले इधर ही लिख देता हूँ मैं। अपने पास जो इक्वेशन थी सेकंड, 55x प्लस 46y इक्वल टू 51,400, ये अपनी सेकंड इक्वेशन थी और इसको मल्टीप्लाई करना था किससे, 6 से, ताकि वेरिएबल सेम हो जाए, क्योंकि 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही 330x आ जाएगा। तो वहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन बनी थी उसमें भी आया था, प्लस यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 276y, और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0 0 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 और 2 8, 6 5 जा 30। तो यहाँ पे आ गया 3,08,000, ये अपनी फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो मैं थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, जो थर्ड इक्वेशन अभी बॉक्स में आई थी अपने पास, 330x, 275 और 3,08,000। तो अपने पास इक्वेशन आई थी 330x प्लस 275y इक्वल टू 3,08,000। तो आप लोग देख रहे हैं इनको सॉल्व करना कुछ ज़्यादा ही आसान है। माइनस करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ये तो एक्स वाला वेरिएबल कट गया, 276 में से माइनस किया 275, तो अपने पास ओनली वाई रह गया, प्लस में 1y, और 3,08,000 में से 3,08,000 चला जाएगा, बचेगा क्या 400। तो वाई की वैल्यू निकालना कितना आसान रहा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो वाई की वैल्यू अपने पास आ गई है, यानी स्वेटर की जो मार्क प्राइस थी, या लिस्ट प्राइस बोल दें, लिस्ट प्राइस कितनी थी, 400 रुपये उस पर लिखे हुए थे, फिर उस पर डिस्काउंट दिया गया। उस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी एक्स की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो अपने पास एक इक्वेशन आई थी 6x, जो कि फर्स्ट इक्वेशन थी, 6x प्लस 5y इक्वल टू 5,600। तो 6x प्लस 5y, y की जगह 400 लिखेंगे, इक्वल टू 5,600। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6x, 5 4 जा 20, तो ये 2,000 आ जाएगा, इक्वल टू 5,600। तो 6x, ये 2,000 उधर माइनस हो जाएगा, तो 5,000 में से 2 गया, 3,000 और 600 साथ में है, तो 3,600, 6 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है, यहाँ पे 600 आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस भी आ गई साड़ी की। आप लोग चेक करना चाहें तो आसान है, बहुत ईजी चेक कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस 600 है, 600 ये आप लोग लेना चाहेंगे, जैसे यदि आप लोग खुद को शॉपकीपर माने, कॉस्ट प्राइस थी और इस पर प्रॉफिट किया कितने का, 8% का, फर्स्ट केस में 8% का। तो 600 का 8% कितना होता है, 8/100, 20 से ये 8 6 जा 48। तो ये आ गई सेलिंग प्राइस, इतने रुपये में आप लोगों ने साड़ी को बेच दिया। प्लस अब बात करते हैं किसकी, स्वेटर की, डिस्काउंट मिला था तो 400 रुपये उस पर लिखे हुए थे, और 400 पे हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 10% का, तो 10/100, यहाँ पे 00 से ये 00 गए, 4 10 जा 40, तो डिस्काउंट का मतलब माइनस करेंगे। तो इतने रुपए में आप लोगों ने उसको सॉल्व किया, तो देखते हैं 600 ये 48 आ गया, प्लस यहाँ पे आप लोग माइनस करना या डायरेक्ट ही देख लीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 1,000, और इसमें से ये 48 आ जाएगा, 1,008 आ जाएगा, और यहाँ से करना चाहिए तो 360 कर लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 1,008। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, ये 1,048 में से माइनस कर लिया 41,008 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और मुझे उम्मीद है कि ये बढ़िया से समझ आ गया होगा। तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।